खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर सुबह से हम चर्चा कर रहे थे और कई नेताओं ने बयान भी दिए थे, सत्ता पक्ष ने भी अपनी बात कही तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी बात कही, वो था खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़ा मामला। हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काफी कुछ बोल गए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हिंदू विरोधी भी बताया सरकार को, तमाम बातें हुई तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी अपनी दलील दी। लेकिन यहाँ पर ये अब मुद्दा शून्यकाल में उठ चुका है, रामलाल शर्मा ने ये मुद्दा उठाया है और रामलाल अभी की जो अपडेट है वो ये है कि रामलाल शर्मा ने कहा है कि 21,000 और 11,000 का शुल्क देना गलत है। पूछा है रामलाल शर्मा ने ये भी पूछा है कि क्या जियारत करने वालों से भी ये शुल्क लिया जाता है क्या, तो भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बना रही है। जी बिल्कुल आश्रय, तो कहीं ना कहीं यही है कि मुद्दे आज भी बन रहे हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान इस तरफ रहेगा कि जनता से जुड़े हुए कितने मुद्दे पहुंच पाएंगे असल में, और आज का जो मूड है उसको देखकर क्या लग रहा है ऐश्वर्य, कितने ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होनी चाहिए और वो होके रहेगी। देखिए मॉरिशस के राष्ट्रपति के सामने हनुमान जी मंदिर में दर्शन का जो मामला है वो उठाना चाह रहे थे रामलाल शर्मा, लेकिन सीपी जोशी ने फिलहाल बिठा दिया। लेकिन सदन के बाहर उस मामले